तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, आज मैं उपनिषद की दूसरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है नचिकेता के बारे में। नचिकेता जो है, ये कहानी आती है कठोपनिषद में। नचिकेता ने भगवान धर्मराज या कहो यमराज से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। ये कहानी से भारतीय जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा की विद्या है, उसका बहुत ही सरल ढंग से जो है इस कहानी के द्वारा समझाया गया है। हम इस कहानी से आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के ब्रह्म ज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। बहुत ही सरल तरीके से भारतीय आत्म विद्या को समझाया गया है। सुनिए ये कहानी और कोशिश कीजिए कि ये आत्मा क्या होती है, ब्रह्म क्या होता है, इनका आपस में क्या संबंध है। बहुत पुरानी बात है, उस समय हमारे देश में यज्ञों का बहुत प्रचार था। हर एक गांव में महीने भर में 2-4 यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ के सुगंधित धुएं से आकाश मंडल धूमिल बना रहता था। पवित्र शांत सुगंधित पवन के मंद मंद झोंकों से चारों ओर का वातावरण बहुत स्वास्थ्यप्रद और रमणीक बना रहता था। वेद के पवित्र मंत्रों के उच्चारण से दिशाएं गूंजती रहती थी। लोगों के दिन आनंद और मस्ती में अक्षण के समान बीतते थे। न किसी को खाने पीने की कमी रहती थी, न शत्रुओं का भय। सभी लोग सत्य बोलते थे, जीव मात्र के लिए उनमें उपकार की भावना रखते थे और किसी छल छिद्र का उन्हें कोई पता नहीं रहता था। ऐसे पवित्र सत्ययुग में महर्षि गौतम के वंश में बाजसर्वा के पुत्र उद्दालक नाम के एक महात्मा ऋषि थे। उद्दालक की गृहस्थी बहुत बड़ी तो नहीं थी, पर गौओं का एक बहुत बड़ा झुंड उनके पास अवश्य था। वेदाभ्यास में निरत एक तपस्वी ब्राह्मण के लिए उस समय वह बहुत बड़ी संपत्ति थी। जब उद्दालक वृद्ध हो चले तो एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि सारी उम्र बीतती जा रही है, अभी तक मैंने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया। इन छोटे छोटे यज्ञों से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? यह धन संपत्ति और किस काम आएगी? इनके रखने से भी तो शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं होता। अच्छा होगा कि श्रमेध यज्ञ करके गृहस्थी का सारा झंझट बहुत कुछ कम कर दिया जाए। इस तरह बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उद्दालक ने श्रमेध यज्ञ करने का विचार पक्का किया। श्रमेध कोई मामूली यज्ञ नहीं था, उसे बड़े बड़े राजा लोग करते थे। उसमें यजमान को अपना सब कुछ दक्षिणा में दान देना कर देना पड़ता था। उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो सच्चे भाव से श्रमेध यज्ञ करता है वह मृत्यु को जीत लेता है और संसार के सभी दुखों से सदा के लिए दूर हो जाता है। उद्दालक का श्रमेध यज्ञ प्रारंभ हो गया। देश के कोने कोने के बड़े बड़े विद्वान पंडित और महात्मा लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। इस यज्ञ में उद्दालक ने सचमुच अपनी सारी गृहस्थी समाप्त कर दी। पूर्ण आहुति का पुण्य दिन आया। वेदों के पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडितों ने आकाशमंडल को गुंजा दिया। यज्ञ धूम की चंचल सुगंधित लहरें अक्षितिज तक व्याप्त हो गई।
पुण्य आत्मा उद्दालक ने मांगलिक गीतों और वाद्यों की आकाश भेदी ध्वनियों के बीच में नारियल की अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित की और चारों ओर से उनका जय जयकार होने लगा। अब पुरोधा पंडितों तथा आगत महात्माओं को दक्षिणा देने की बेला आई। गौओं को छोड़कर उद्दालक के पास कोई वस्तु शेष नहीं थी, अतः वे उनमें से एक एक गाय दक्षिणा रूप में देने लगे। अपनी सब गौओं को दान करते इसमें उद्दालक की पवित्र आत्मा भी सर्वस्व त्याग की कठोरता से कांप उठी। वह मन ही मन सोचने लगे, सब गौएं दे डालने पर जीविका कैसे चलेगी? बेटा भी अभी उम्र का छोटा है, क्या खाएगा? मेरा वृद्ध शरीर भी अब इस योग्य नहीं रहा कि परिश्रम करके प्रतिदिन की जीविका पैदा कर सकूं। वह सचमुच विचलित हो गए। लोभ की इस अक्षीण काली रेखा ने धीरे धीरे उनके निर्मल हृदय में घना रूप बना लिया। उन्होंने गौओं के समूह की ओर दृष्टि डाली, देखा तो जितने पंडित अविशेष थे उससे अधिक गौएं बसती थी, मगर उनमें बहुत ही बुढ़ी गौएं भी थी। वह तुरंत ही कुश और अक्षत को नीचे रखकर गौओं के समूह की ओर चले गए। वहां कपट से विचलित होकर अच्छी अच्छी गौओं को पीछे की ओर छोड़कर बुढ़ी और अधेड़ गौओं को आगे की ओर हांक लाए और उसी में से एक एक करके पंडितों को दक्षिणा में देने लगे। उनकी इस चालाकी का पता किसी को कानों कान नहीं लगा, पर उनका बेटा नचिकेता, जिसकी उम्र अभी 10-12 साल से कम ही थी, यह सब चुपचाप देख रहा था। नचिकेता का निष्पाप कोमल हृदय पिता की इस काली करतूत पर कांप उठा। उसने देखा कि महीनों तक अनवरत परिश्रम करने वाले पुरोहितों और पंडितों को ऐसी ऐसी गौएं दी जा रही हैं जो एकदम बूढ़ी हो चली हैं। न उनसे बछड़े की कोई आशा है, न दूध की। यहाँ तक कि उनमें से कुछ इतनी जर्जर हो गई हैं जो न कुछ खा सकती हैं, न अधिक पानी ही पी सकती हैं। इन जीवन मृत गौओं को दान में देकर पिताजी पंडितों के साथ कितना विश्वासघात कर रहे हैं, यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पीछे की ओर देखा तो बड़े बड़े अच्छी गौएं चल रही थी और उद्दालक उनको तनिक भी ध्यान न देकर इन जर्जरित गौओं का चुपचाप दान करते जा रहे थे। सामने जितनी वृद्ध गौएं खड़ी थी उतने ही पंडितों को दान भी देना शेष था। नचिकेता सोचने लगा, क्या पिताजी सचमुच श्रम में यज्ञ कर रहे हैं? नहीं नहीं, यह पाप मेद है, कपट मेद है, श्रम मेद नहीं। शायद पिताजी मेरे लिए इनको रख छोड़ते हों। हाँ, मगर उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। यज्ञ नारायण के साथ कपट करके वह मेरा कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं? इस प्रकार के कपट व्यापार से बचाई गई ये गौएं मेरा भी सत्यानाश कर देगी। पंडितों का मूक अभिशाप हमारे परिवार का भीषण विनाश कर देगा। पिताजी गिर रहे इनको बचाना या ठीक रास्ते पर लाना मेरा कर्तव्य होता है। मुझे ऐसे अवसर पर चुप नहीं रहना चाहिए। विचारों के इस प्रखर प्रवाह में बहकर नचिकेता पिता के समीप गया और हाथ जोड़कर बोला, तात, यह तो श्रम में दिया है न। उद्दालक का मुख भीतरी पाप की काली छाया से उसमें मलिन पड़ रहा था। ब्रह्म वत्स एवं सर्वस्व त्याग की वह आभा जो अभी तक उनके उन्नत ललाट में दीप्त शिखा के समान जल रही थी, राक्षसी काली पड़ गई थी। पुत्र की सुमधुर विनीत वाणी में श्रमेद का नाम सुनकर वह भीतर से और भी कांप उठा, परंतु चुप कैसे रह सकते थे। मुस्कुराहट की बनावटी रेखा बनाते हुए बोले, हाँ वत्स, यह सब श्रमेद यज्ञ है, बात क्या है? उद्दालक तुतलाते तो नहीं थे, पर पाप तो सिर पर चढ़कर बोलता है। अपनी दुष्कृति पर वह फिर से कांप उठे, पर पाप तो उन्हें अपने पथ पर बहुत दूर तक खींच चुका था। वहां से लौटना उद्दालक जैसे के लिए आसान काम नहीं रह गया था। नचिकेता चुप बना रहा, फिर आगे बोलने की उसमें सहसा हिम्मत नहीं पड़ी।
वह समझता था कि श्रमवेद का स्मरण दिला देना ही पिताजी के लिए पर्याप्त होगा, पर उसके पिता यह कैसे समझते कि नचिकेता क्या चाहता है। वह फिर उन्हीं बूढ़ी गांव में से एक गाय लाकर सामने बैठे हुए पुरोहित को दान करने जा रहे थे। नचिकेता विवश होकर अनजाने में फिर बोल उठा, मेरे पाप इन सब गौं को दान देने के बाद मुझे किसे दीजिएगा? आपने तो बताया था ना कि इस यज्ञ में अपना सब कुछ दे दिया जाता है। उस बालक सिहर उठी। एक अज्ञात भय एवं पाप की भयावनी मूर्ति उन्हें दिखाई पड़ी, परंतु वह पाप पथ से पीछे नहीं लौटे। नचिकेता का समाधान करना भी उन्हें उचित नहीं समझा। आंखों को त्रेड कर उन्होंने एक उड़ती सी निगाह नचिकेता पर डाली, जिसका तात्पर्य शायद यह था कि यहाँ से चले जाओ, व्रत की बकवास मत करो। पर नचिकेता वहीं खड़ा ही रहा। उसने देखा कि पिताजी अब एक ऐसी गाय का दान करने जा रहे हैं जो उठाने की कोशिश करने पर भी नहीं उठ रही है, और उधर दान लेने वाले पुरोहित का मुख उदास हो गया है। फिर भी पिताजी उस गाय को उसी तरह बैठे ही बैठे दान कर रहे हैं। वह एकदम विहल हो गया। उसने तय कर लिया था कि पिताजी को अब ऐसे घोर पाप नहीं करने दूंगा। झटपट गाय के पास खड़े होकर उसने फिर वही बात दोहराई, मेरे तात इस श्रमवेद यज्ञ में मुझे किस ब्राह्मण को दान कर रहे हैं? मैं उसे देखूंगा, मैं भी तो तुम्हारा ही हूँ न। उद्दाल की पाप भावना कठोर क्रोध का स्वरूप धारण कर लिया। उनकी सांसें जोर जोर से चलने लगी, नथुने फड़कने लगे, दांतों की ऊपरी पंक्ति ने निचले होंठ को चबा लिया, आंखों से दाहक अंगार की ज्वाला से निकलने लगी। हाथ में लिए हुए कुश अक्षत और जल को नीचे फेंकते हुए वह भीषण स्वर में बरस पड़े, पापात्मा कुपुत्र, तुझे मैं यमराज को दान कर रहा हूँ, जा तू उसे शीघ्र देखेगा। विशाल यज्ञ मंडप में एक छोर से दूसरे छोर तक उद्दालक के कठोर स्वर ने भीषण आतंक की लहर सी फैला दी। जो जहाँ खड़े या बैठे थे ठगे से रह गए। धर्म के अवसर पर यह महान अनर्थ, मंगल में अमंगल, सबके देखते देखते नचिकेता यमराज के घर जाने की तैयारी में लग गया। वह सचमुच धरती पर गिर पड़ा था और उसके मुख पर एक अपूर्व ज्योति की छटा विराजमान हो रही थी। कहने को तो उद्दालक के मुख से तीर के समान वह कठोर वचन निकल गया, पर उसकी भीषण यथार्थता ने उन्हें विकंपित कर दिया। इकलौते प्रिय पुत्र की मृत्यु के घर जाने की बात को वह किस प्रकार बर्दाश्त कर सकते थे? चारों ओर से लोग दौड़ पड़े और घेर कर नचिकेता के पास खड़े हो गए। सत्याग्रही नचिकेता जब इस लोक से पिता की आज्ञा प्राप्त कर मृत्यु लोक के जाने का निश्चय कर चुका, तो उसे वापस कौन ला सकता था? उद्दालक का सहज वात्सल्य कृत्रिम क्रोध को दूर भगाकर उमड़ पड़ा। पुत्र को सुने से अंग में उठाते हुए वह गद कंठ से बोले, बेटा तू कहाँ जा रहा है? मेरी बात का ध्यान न कर, मैं आवेश में यह सब कुछ कह गया। भला सोच तो सही कि तेरे बिना मेरा बुढ़ापा कितना कठिन हो जाएगा। मेरे प्यारे, मैं पाप पंख में फंस गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, तू उसका ख्याल न कर। परंतु नचिकेता का लौटना आसान काम नहीं था। उसने दोनों हाथों को जोड़कर विनीत स्वर में कहा, पूज्यताप, आप बतलाते थे कि मेरी 21 पीढ़ियों से लेकर अब तक किसी ने अपना वचन कभी भंग नहीं किया है। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी वंश मर्यादा को सुरक्षित रखूं। पिता की आपकी आज्ञा का उल्लंघन वह चाहे जिस दिशा में हो भी हो, मैं कभी नहीं कर सकता। आप भी अपना वचन निभाइए और प्रसन्नता के साथ मुझे मृत्यु के घर सकुशल पहुँचाने का आशीर्वाद दीजिए। उद्दालक नचिकेता के इस निश्चय भरी विनत वाणी से विचलित हो गई। गले से लगाते हुए अक्षिण स्वर में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे, मैं उस निर्मम मृत्यु के घर जाने का आशीर्वाद तुझे नहीं दे सकता जिसके स्मरण मात्र से मेरा हृदय कांप रहा है। उसके पास तू कैसे जाएगा? कुसुम के समान कोमल तेरा शरीर कठोर मृत्यु के पास जाने योग्य नहीं है। बेटा,
मैंने अपराध किया है, भले ही मुझे वचन भंग करने का पाप लगे, पर मैं तुझे वहाँ कदापि नहीं जाने दूंगा। नचिकेता ने आंखें खोलकर देखा तो उद्दालक की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। अपने कोमल हाथों से आंखों आंसू को पोंछते हुए उनसे उसने कहा, पूज्यतात, मैं उस मृत्यु को तनिक भी नहीं डर रहा हूँ जिसके लिए आप घबरा रहे हैं। आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपने पुण्य कर्म पूर्वजों का स्मरण कीजिए जिन्होंने प्राण गंवाकर भी अपने वचन रखे। असत्य का व्यवहार स्वार्थी और पापी जन करते हैं, उस असत्य से कोई अमर नहीं होता। मेरी बड़ी इच्छा यह है कि मेरे इस कार्य से आपके और मेरे दो पुरुषों के वचन की रक्षा हो। मेरी ममता की डोर में बंद कर आप इतने विह्वल हो रहे हैं और इस तरह से वचन भंग करने का पाप अपने पवित्र कुल में लगा रहे हैं। मेरे न रहने पर आप अपना सर्वस्व त्याग कर सर्वमेध्य का महान पुण्य पाएंगे। पुत्र का यही कर्तव्य है कि वे अपने सर्वस्व को आकर भी पिता के वचनों का पालन करे, उसकी इच्छा की पूर्ति करे। मेरे तात में इस अपूर्व अवसर को सामने पाकर छोड़ नहीं सकता। मुझे रोककर आप युग की समाप्ति में विलंब मत लगाइए। सर्वस्व त्याग कर सर्वमेध्य के इतिहास में अपना अमर यश छोड़ जाइए। पुत्र की दृढ़ निश्चय और प्रेरणा से भरी बातें सुनकर उद्दालक में कुछ आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यज्ञ मंडप में कुमार नचिकेता ने अपने पूज्य पिता के चरणों पर शीश धरकर मृत्यु लोक का मार्ग ग्रहण किया। सारी जनमंडली चित्र के समान खड़ी देखती रह गई। वह अपने कर्तव्य पथ पर कमर कसकर साहस और प्रसन्नता के साथ आगे चल पड़ा। मृत्यु अर्थात यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावना था। नचिकेता ने देखा कि अपने अपने कर्मों के कारण लोग मृत्यु से किस तरह घबराते हैं। हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं से लोगों का मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाहाकार मचा हुआ है। कोई अपने पुत्र के लिए रो रहा है तो कोई किसी को पत्नी के वियोग का दुख है, परंतु नचिकेता को तो सचमुच अपूर्व आनंद मिल रहा था। प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों का अंत कर दिया। पिता की आज्ञा के पालन करने में उसे यहाँ जो शांति मिल रही थी वह भूलोक के माइक जीवन में कहीं नहीं थी। निर्भीक नचिकेता जिसमें मृत्यु के द्वार पर पहुंचा उसमें संयोग से यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, अतः द्वारपालों ने उसे भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर उसे बाहर एक वृक्ष के नीचे सुंदर चंबूतरी पर बैठकर यम की प्रतीक्षा करने को कहा गया। वह वहीं पर चुपचाप बैठकर यम की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि यमराज 3 दिनों तक बाहर से अपने घर लौट नहीं सके थे। नचिकेता अविचलित मन से वहीं शांतिपूर्वक बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। बीच बीच में वह यह सोचकर पुलकित हो जाता कि अब मेरे पिताजी ने उन अच्छी गौं को दान में देकर श्रमवेदी को पूरा कर लिया होगा। चौथे दिन यमराज अपने पुर को वापस आए। महल में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि एक परम तेजस्वी सुंदर बालक हाथ जोड़कर सामने खड़ा है। उसमें भय की कोई रेखा नहीं है। यमराज ने मुस्कुरा कर पूछा, कुमार तुम कौन हो और यहाँ किस काम के लिए आए हो? नचिकेता के बोलने के पूर्व ही यमराज के दोनों द्वारपालों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तेजस्वी बालक 3 दिन हुए तब से यहाँ बैठा हुआ है, न इसने कुछ खाया है न कुछ पिया है। यमराज का कृत्रिम कठोर हृदय भी किशोर नचिकेता की करतूतों को सुनकर करुणा से उमड़ पड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो, शीघ्र बतलाओ, मैं भी बिना तुम्हारा काम किए हुए अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा। नचिकेता यमराज की इस सहज उदारता को देखकर निहाल हो उठा। पिता ने यम के बारे में कितना गलत बतला था कि वह बड़े भयानक हैं, पर यह तो कितने दयालु हैं। सचमुच इनकी बातों को सुनकर मैं अपूर्व संतोष पा रहा हूँ।
थोड़ी देर तक मृत्यु के तेजस्वी मुख की ओर निर्निमेष ताकते हुए नचिकेता विनीत स्वर से बोला, देव, मैं मुनिवर उद्दालक का पुत्र हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पूज्य पिताजी ने अपने सर्ववेद यज्ञ में मुझे दक्षिणा के रूप में आपको प्रदान किया है। आप मुझे सस्नेह ग्रहण कर उन्हें यज्ञ की संपन्नता का आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यमराज तेजस्वी ब्राह्मण कुमार नचिकेता की निर्भीकता पर ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने मन में सोचा, यज्ञ की दक्षिणा में सुकुमार पत्र का दान और सो भी मुझको। धन्य है वह पिता और धन्य है यह पुत्र। ऐसे दृढ़ निश्चय निश्चय ब्राह्मणों के लिए हमारा सबसे प्रणाम है। अपने जीवन में मैंने कभी ऐसे साहसी और सत्यनिष्ठ बालक को कहीं नहीं देखा है। ऐसे पुत्र रत्न के पैदा करने वाले पिता सचमुच धन्य हैं। विचारों की बाढ़ में यमराज बहने लगे। इस तरह थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने नचिकेता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेरे यहाँ आते हुए तुम डरे नहीं। तुम्हारे पिता ने भी कुछ सोचा नहीं। धीरे से धीरे लोग भी आने में विचलित हो जाते हैं। तुम धन्य हो। नचिकेता ने कहा, देव, मैं इस संसार में केवल पाप से डरता हूँ। आप पाप तो है नहीं। मैं तो आपके सारे संसार को शांति देने वाला मानता हूँ। आपके समान उपकारी इस जगत में दूसरा कौन है जो मनुष्य के दीनहीन संतप्त जीवन को चिर शांति देता हो। कुमार नचिकेता की भोली भाली बातों को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, कुमार, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे समान तेजस्वी निर्मल हृदय ब्राह्मण कुमार को मेरे दरवाजे पर तीन रात तक भूखा रहना पड़ा। बिना कुछ ओढ़े बिछाए तुम इस चबूतरे पर पड़े रहे। मेरे आतिथ्य धर्म की इससे बड़ी हानि हुई है। मुझे सचमुच इसका बहुत खेद है। आपने इस खेद को कम करने के लिए ही मुझे तीन वरदान देना मैं अपने इस खेद को कम करने के लिए ही मैं तुझे तीन वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो कुछ चाहो मुझसे मांग सकते हो। ब्राह्मण कुमार, सचमुच तुम्हारे जैसे साहसी बालक के लिए मैं तीनों लोकों में कोई भी अदेव नहीं समझता। यमराज की बातें सुनकर नचिकेता आनंद के समुद्र की लोरें लेने लगा। वह कुछ क्षण के लिए सोचता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं तो आप ही का दास हूँ। यह आपकी महत्ता है जो मुझे एक अतिथि का सम्मान देकर वरदान देना चाहते हो। मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है, पर उसके बदले मुझे वरदान देकर आप अपनी दयालुता का परिचय दे रही हैं। लोग संसार में झूठे ही आपके नाम से भय खाते हैं। आपके समान सहज दयालु कौन है जो अपने कर्तव्य पालन करने वाले को भी वरदान देता है। नचिकेता इतना कहकर चुप हो गया। वह सोच रहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके बदले में वरदान की याचना की जाए। इसी बीच यमराज फिर बोल पड़े, कुमार, तुम संकोच मत करो। बिना तुझे वरदान दिए मैं अन्न जल तक नहीं ग्रहण कर सकता। नचिकेता विवश हो गया, हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, भगवान, मैं अपने पूज्य पिता का इकलौता बेटा था। उनकी सेवा के लिए कोई दूसरा प्राणी मेरे घर पर नहीं है। मेरे यहाँ चले आने से उन्हें अपार कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि उनका शरीर भी शिथिल हो गया है। अतः मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और निरोग हो जाएं, मेरे विषय में उनकी चिंताएं मिट जाएं और उनका क्रोध मेरे ऊपर से दूर हो जाए। यमराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी हो। तुम्हारे पिता संसार की सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएं। अब तुम मुझसे अपना दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता थोड़ी देर तक मौन रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, देव, मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है। मैं वहाँ आपका मृत्यु का भय है न बुढ़ापे का। भूख और प्यास भी वहाँ किसी को नहीं सताती। आप उस सर्वलोक के प्रमुख अधिकारी हैं, अतः उसे प्राप्त करने की विद्या तो अवश्य ही जानते होंगे। ऐसी कृपा कीजिए कि वह मुझे भी प्राप्त हो जाए। यह मेरी दूसरी अभिलाषा है।
यमराज को आज प्रथम बार स्वर्ग विद्या का सच्चा अधिकारी मिला है, अतः उसे देने में उन्हें अति प्रसन्नता हुई। गदगद कंठ से वह बोली, नचिकेता, तुम्हें स्वर्ग विद्या की प्राप्ति अपने आप ही होगी। अब तीसरा वरदान मांगो। मुझे वरदान देते समय मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नचिकेता एक ऐसे ब्राह्मण कुमार था जिसका पिता जीवन की उपासना में ही चला गया था। अतः उसने अपने मन में विचारा कि विद्या में कौन ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसके कारण मेरे पूज्य पिताजी के समान ब्रह्मवेत्ता भी ठगे गई। उस रहस्य को तो अवश्य जानना चाहिए। विनीत वाणी में उसने हाथ जोड़कर कहा, देव, आप जीवन विद्या के अनन्य आचार्य कहे जाते हैं। मैं उस जीवन विद्या के गूढ़ रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसके कारण मेरे पिताजी जैसे निष्प्रह एवं तपस्वी को भी धोखा हुआ। अतः आप कृपा कर मुझे उस जीवन विद्या का तत्व बतलाइए। इसके सिवा अब मुझे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है। नचिकेता की बातों को सुनकर यमराज सतर्क रह गए। उन्हें स्वप्न में भी यह ध्यान नहीं था कि 10 साल के इस ब्राह्मण किशोर में सांसारिक तत्वों की इतनी आकुल जिज्ञासा होगी। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वह गंभीर स्वर में जम्भाई लेते हुए बोले, कुमार, तुम जिस जीवन विद्या की चर्चा कर रहे हो वह तो बड़े बड़े देवों के लिए भी दुर्लभ है। तुम शायद ये भूल गए कि मैं मृत्यु का देव हूँ, जीवन का नहीं। मेरा नाम ही मृत्यु है। जीवन विद्या का मुझे कोई संबंध नहीं है। तुम कोई दूसरा वर मांगो, यह वर पाकर भी तुम भला क्या करोगे। नचिकेता इस तरह धोखे में पड़ने वाला बालक नहीं था। वह जानता था कि संसार में जीवन से बढ़कर दूसरी चीज कौन सी है। जो जिंदगी के सब तत्वों को जान लेगा उसे धन संपत्ति या स्वर्ग के राज से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अनमोल हीरे को छोड़कर मिट्टी का घरौंदा लेना उसे क्यों पसंद आता। उसने दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा, भगवान यदि वह जीवन विद्या देवताओं को भी दुर्लभ है तब तो मैं सब प्रकार का कष्ट सहन करके भी उसे पाना चाहूँगा। आप जो यह कह रहे हैं कि आप केवल मृत्यु के देव हैं, उसी से तो मुझे मालूम हुआ कि आप जीवन के तत्वों को पूर्णतया जानते हैं। क्योंकि जो अंधकार को जानता है वही प्रकाश की किरणों को भी पहचानता है। बिना एक के जाने दूसरे का परिचय कैसे हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि आपके समान इस जीवन विद्या को सिखाने वाला दूसरा आचार्य मुझे कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा। देव में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर भी नहीं चाहता। यमराज ने एक बार फिर नचिकेता को इस निश्चय से डिगाने का असफल प्रयत्न किया। उसने कहा, कुमार, तुम्हारे लिए मैं संसार का समस्त धन वैभव देने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो मैं सैकड़ों वर्ष की लंबी उम्र तुम्हें दे दूँ। पृथ्वी का सारा राज तुम्हें तुम्हारा कर दूँ। ऐसे रथ, घोड़े और हाथी दे दूँ जो इच्छा करते ही जहाँ चाहो पहुँचा देंगे। दास दासी, राजभवन, सुंदरी स्त्री, पुत्र पौत्र आदि जो कुछ भी चाहो तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दूँ। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक का सारा भोग विलास भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मगर ऐसा वर मुझसे मत मांगो जिसकी देने की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। नचिकेता चुपचाप यमराज की चतुरता भरी बातें सुनता रहा। यमराज के इन प्रलोभनों का उसके मन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में वह बोला, मृत्यु के देव, आपसे ये कहना नहीं पड़ेगा कि संसार की यह वस्तुएं जिन्हें आपने मुझे देने की चर्चा की है कितनी नश्वर है। एक अक्षण के लिए भी इनका कोई ठिकाना नहीं है। भोग विलास, राजकाज, स्त्री पुत्र, हाथी घोड़े, यह सब किस मनुष्य के साथ साथ मरने पर जाते हैं। लंबी आयु भी तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगी। मुझे तो ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसके पाने से मरना नहीं पड़ता। मैं तो उस जीवन विद्या को पाना चाहता हूँ जिसे जानकर आप कभी मरते नहीं। हे महाराज, आपके समान परम शांति एवं संतोष देने वाले देवता के शरण में आकर भी कौन ऐसा अभागा होगा जो इन अशांति और असंतोष पहुंचाने वाली नाशवान वस्तुओं की कामना करेगा। मुझे दूर मत फेंकी, अपनी अमोघ कृपा का भाजन बनाकर इस तरह भुलावे में डालने की आशा में मैं आपसे नहीं करता। देव, मुझे जीवन विद्या का शिष्य बनाइए और दूसरी बातें छोड़ दीजिए। मैं आपके
मैं आपसे बिना इस विद्या के प्राप्त किए हुए कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता। यम की इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नचिकेता का मुख मंडल सुवर्ण के समान दमकने लगा। उसकी दृढ़ निश्चय से भरी बातें सुनकर यमराज और भी प्रसन्न हो गए। उनकी सहज करुणा फिर जाग पड़ी। दोनों भुजाओं से बालक नचिकेता को उठाकर गले से लगाते हुए यमराज ने गदगद स्वर में कहा, मणि कुमार, तुम सचमुच धन्य हो। इस संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य मात्र के जीवन में एक बार ऐसा अवसर उपस्थित होता है जब उसके सामने दो रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक होता है श्रेय का, अर्थात सच्चे सुख और वास्तविक कल्याण का। दूसरा होता है प्रेय का, अर्थात भोग विलास से भरा हुआ, दूर से आकर्षक किंतु आगे चलने पर अशांति, दुख और कठिनाइयों से पूर्ण। इनमें पहला उन्नति अथवा ऊपर चढ़ने का, मनुष्य से देवता बनने का है, तथा दूसरा पतन अथवा ऊपर से नीचे गिरने का, मनुष्य से राक्षस बनने का। बेटा, यह दोनों मार्ग मनुष्य को बड़े धोखे में डालने वाले होते हैं। जो उन्नति का पहला श्रेय मार्ग मैंने बतलाया, वह देखने में बड़ा कंठ का किरण और पथरीला है। शुरू शुरू में उस पर चलना बहुत कठिन होता है, और इसके विपरीत दूसरा पतन का जो प्रेम मार्ग है, शुरू शुरू में बहुत सरल, मन को गुमराह करने वाला और सुविधाओं से भरा हुआ दिखता है। मनुष्य इनके पहचानने में धोखे में ही पड़ जाता है। तुम्हारी तरह विरले ही लोग होते हैं जो दूसरे को ठुकरा कर पहले पर अग्रसर होते हैं। वत्स, वही मनुष्य सच्चा वीर, विवेकी और भाग्यशाली भी है जो तुम्हारी तरह मानव जीवन के तत्वों को ढूंढने में सब कुछ भुला देता है। मेरे बार बार के प्रलोभन दिखाने पर भी जो तुम अपने निश्चय से नहीं डिगे, वह असाधारण बात है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी उस स्थिति में विचलित हो जाते हैं। वत्स, तुम धन्य हो। अब मैं तुम्हें जीवन विद्या की शिक्षा अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम उसके सच्चे अधिकारी हो। संसार में बहुत से लोग अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि द्वारा इस जीवन विद्या को जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, और थोड़े अंश में उसकी प्राप्ति भी उन्हें हो जाती है, पर उनके अपने जीवन में यथार्थ रूप में वह ओतप्रोत नहीं हो पाती। स्वार्थ, द्वेष, लोभ आदि के कारण उनकी आत्मा से उसका सह संबंध स्थापित नहीं होता। फल यह होता है कि कच्चे पारे की तरह शरीर के अंग प्रत्यंग से वह फूट पड़ती है। ऐसे अनाधिकारी ने केवल संसार को ही वरन अपने आप को भी धोखा देते हैं। जो उस संजीवनी विद्या को सचमुच पाना चाहते हैं, वे सबसे पहले तुम्हारी तरह उसे धारण करने की योग्यता प्राप्त करें। इसके लिए उन्हें संसार की सत असत वस्तुओं की भली भांति परीक्षा कर लेनी चाहिए। सांसारिक भोग विलास से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। मणि कुमार, अब मैं तुझे उस जीवन विद्या का उपदेश कर रहा हूँ। आज तक तुम्हारे समान जीवन विद्या का सच्चा अधिकार मुझे कोई मिला नहीं। तुम सचमुच धन्य हो। नचिकेता यम के दोनों चरणों पर अपना शीश रखकर धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगा। उसमें उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा था। यम ने जीवन विद्या या ब्रह्म विद्या का यथेष्ट उपदेश देकर अंत में कहा, हे ताप, उस जीवन विद्या का मूल तत्व यही है कि जब मनुष्य की सारी इच्छाएं बीत जाती हैं, जब मन सब प्रकार की मलिन वासनाओं से मुक्त हो जाता है, जब अंतःकरण में कोई कालिमा की रेखा नहीं रह जाती, तब यह शरीर से मरणशील मनुष्य अमर बनकर उसी जीवन में ही ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं और वह कभी नहीं मरता। यही जीवन विद्या का सारांश है जिसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब तुम अपने घर को वापस जाओ और अपने पूज्य पिता के प्यासा नेत्रों को तृप्त करो। ये जो है काफी कठोपनिषद में इसका और काफी वर्णन है। आत्मा, परमात्मा, ये सब उन आपस में क्या संबंध है, आत्मा क्या होती है, ये है, ये थोड़ा सा ब्रीफ में बताया है। जब मैं कठोपनिषद के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसका विस्तृत वर्णन करूंगा।
नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।